आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अयोध्या मसले पर इस पुनर्विचार याचिका में इसके लिए कई दलीलें भी दी गई हैं। किसी भी फैसले के खिलाफ 30 दिन के भीतर पुनर्विचार याचिका दायर करना होती है। यह अवधि 9 दिसंबर को पूरी होगी। माना जा रहा है कि इससे पहले 4-5 याचिकाएं दायर हो सकती हैं। इनमें से एक याचिका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से होगी। जमीयत ए उमेला ए हिंद की ओर से दलील दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, उसका कोई सबूत नहीं है। वहीं सर्वोच्च अदालत ने माना है कि 1949 में वहां मूर्तियां रखी गईं। साथ ही यह भी फैसले में माना गया है कि 6 दिसंबर को जो हुआ वो गलत था। तो विवादित जमीन किसी एक पक्ष को कैसे दी जा सकती है? जमीयत के वकील एम सिद्दीकी ने मांग की है कि सर्वोच्च अदालत अपने फैसले पर स्टे लाए और राम मंदिर निर्माण की दिशा में उठाए जा रहे कदमों पर तत्काल रोक लगाई जाए। सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर से विवादित टिप्पणी कर दी। इस बार उन्होंने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर की। उनकी टिप्पणी के बाद उनका विरोध शुरू हो गया है। लोकसभा में चौधरी ने निर्मला सीतारमण पर अभद्र टिप्पणी करते हुए उन्हें निर्मला कहा। पहले भी वे इस तरह अभद्र बयानबाजी कर चुके हैं। बवाल मचने पर वे सफाई देते रहे कि उनकी हिंदी खराब है, इसीलिए बोलने में इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। लेकिन उनके ताजा बयान ने तूल पकड़ लिया है। चौधरी ने कहा, आपके लिए रिस्पेक्ट तो है, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि आपको निर्मला सीतारमण की जगह निर्मला सीतारमण कहना ठीक होगा कि नहीं। आप मंत्री पद पे तो हैं, लेकिन जो आपके मन में है वो कह भी पाती हैं या नहीं? कई मर्तबा आम लोगों को लगता है कि दोनों ही पार्टियों के नेता एक से ही हैं। इसका खुलासा खुद बीजेपी की सीनियर लीडर सुमित्रा महाजन ने किया। सुमित्रा महाजन ने राज्यपाल लालजी टंडन की मौजूदगी में एक राज खोला और कहा, मेरी सरकार के खिलाफ मैं नहीं बोल सकती थी। कोई बात उठाने के लिए मैं जीतू पटवारी और तुलसी सिलावट को धीरे से कहती थी कि तुम करो कुछ। महाजन ने कहा कि जीतू पटवारी में मेरा शिष्य बनने के सभी गुण हैं। जीतू सही में शिक्षा मंत्री के रूप में बात सही पकड़ी, तो सच में मैंने तारीफ के लिए नहीं। अभी रास्ते में आते आते कोई बोल रहे थे कि ताई ये जीतू आपका शिष्य है। मैंने कहा शिष्य है नहीं, वो अपने व्यवहार से जरूर ये कल कहला सकता है कि हाँ ये लगता है ये ताई का शिष्य बनने लायक। सुमित्रा महाजन के बारे में पटवारी ने कहा कि हम राजनेताओं से अपनी कुर्सी का मोह मुश्किल से छूटता है, लेकिन ताई इतनी सहज और सरल हैं कि उन्होंने इसे छोड़ने में मिनट भर का भी वक्त नहीं लगाया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि पार्टी का सवाल नहीं, जब शहर का विकास करने निकलते हैं तो सब एकजुट रहते हैं, यह इस शहर का स्वभाव है। संवाद का यह प्रयोग कर पटवारी ने बेहतर कार्य किया है। पटवारी ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि राज्यपाल बेहद सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। उनसे पहली बार जब एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि मैंने आपके बारे में सुना है, मेरे दो बेटे हैं, एक उत्तर प्रदेश में मंत्री है और दूसरा यहाँ मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री है, तभी से मैं उनकी सादगी का कायल हूँ। हनी ट्रैप को लेकर उजागर हो रहे फुटेज के मामले में संझा लोक स्वामी समूह के कई प्रतिष्ठानों, ऑफिस व घर पर छापे मारने के साथ इंदौर के 4 थानों में 5 FIR दर्ज कर ली गई। इसमें मानव तस्करी, अवैध कारतूस, नौकर व कर्मचारियों की जानकारी छुपाने और IT एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने समूह के प्रमुख जीतू सोनी के बेटे अमित सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर पुलिस और अन्य विभागों की इस पूरी कार्रवाई को हनी ट्रैप कांड से जोड़कर देखा जा रहा है। हनी ट्रैप गैंग से जुड़े अधिकारी हरभजन सिंह ने शाम को संझा लोक स्वामी की शिकायत की और कई विभागों ने कुछ ही देर में इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया। जो आदमी खुद इस पूरे कांड में संदिग्ध है, उसकी शिकायत पर सरकार का यह एक्शन बताता है दाल में कुछ काला है। लोक स्वामी और उसके मालिकों के अन्य संस्थानों के दफ्तर पर सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने एक साथ छापा मारा था।
एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। संबंधित की तलाश की श्रेणी में ही के कार्यालय में भी सर्च की गई, जहां से इसमें विधिवत सर्च वारंट लेकर के सर्च की कार्रवाई की गई थी। इसमें कुछ वहां से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वहां से जब्त हुई हैं, जो कि प्रकरण से संबंधित होने की संभावना है, और इसी के साथ वहां पर कुछ सेफ वहां पर पाए गए, जिसको सील बंद किया गया है और विधिवत पंचनामा बना करके उसको एग्जामिन किया जाएगा। फिलहाल इसमें पूछताछ के लिए जो अमित सोनी नाम का जो आरोपी है उसको लाया गया था और उसके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार कटघरे में नजर आ रही है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि लोकस्वामी अखबार ऐसा क्या खुलासा करने वाला था जिससे सरकार इस कदर भयभीत थी कि उसको कुछ ही घंटों में इस कार्यवाही को अंजाम देना पड़ा। इंदौर प्रेस क्लब ने भी इस मसले पर सरकार को खरी खरी सुनाई है और लोकस्वामी अखबार पर की सरकारी तालाबंदी की कड़ी आलोचना की है। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस मामले पर सरकार की कार्यप्रणाली पर आरोप लगाए और कहा कि हमें जानकारी है कि इस मामले में सरकार के कुछ बड़े अफसरों और मंत्रियों के नाम आना थे। सुना तो हमने भी है कि इसमें बहुत सारे मंत्री इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे अधिकारी इन्वॉल्व हैं, और कमलनाथ जी उन सब अधिकारियों जिनके की वीडियो है उनसे कहीं ना कहीं दबाव में लेकर उनसे काम करवा रहे हैं, इसी हमें सोचना है। हनी ट्रैप मामला अब कमलनाथ सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। इस मामले की जांच के साथ ये तथ्य सामने आए कि हनी ट्रैप में शामिल महिलाओं ने अपने हुस्न जाल में फंसा कर 90 से ज्यादा बड़े लोगों के वीडियो बनाए और उनके राज उगलवा कर उनसे रकम और ठेके हासिल किए। इस मसले पर सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को आपातकाल वाली सरकार की संज्ञा दी जा रही है, जिसने पहले भी मीडिया का गला घोटने का काम किया था। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति के बेटे नई मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। नर्मदा प्रसाद के दोनों बेटों के लिए इलाहाबाद बैंक ने नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस बाकायदा विज्ञप्ति के साथ स्थानीय अखबारों में जारी किया गया है। इलाहाबाद बैंक ने नोटिस के मुताबिक नर्मदा प्रसाद प्रजापति के दोनों बेटों के ऊपर 42 लाख का कर्ज है, जिसको तत्काल जमा करने को कहा गया है। इलाहाबाद बैंक ने प्रजापति के बेटे नीर प्रजापति को लगभग 21,54,000 रुपए की रिकवरी का नोटिस जारी किया है, तो वहीं दूसरे बेटे प्रीति प्रजापति को लगभग 20,68,000 से ज्यादा रुपए की रिकवरी का नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि अपने दोनों बेटों के लोन के लिए विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति खुद जमानतदार हैं। बैंक ने नोटिस मिलने के 60 दिनों के भीतर पूरी रकम जमा करने को कहा है। बैंक ने साफ कर दिया है कि अगर इस अवधि में राशि जमा नहीं हुई तो बैंक कुर्की की कार्रवाई कर सकती है। नानके पेट्रोल पंप के पास शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा हटाना शहर के विकास के लिए जरूरी था, तो अर्जुन सिंह की प्रतिमा वहां क्यों लगाई जा रही है? और अगर शहर में कोई समस्या चौराहे पर प्रतिमा लगाने से नहीं हो रही, ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा, सब कुछ सुगम है, तो वापस से शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा क्यों नहीं लगाई जा रही? अर्जुन सिंह की प्रतिमा वहां क्यों लगाई जा रही है? सवाल ये है कि क्या अर्जुन सिंह ने इस देश के लिए शहीद चंद्रशेखर आजाद से बड़ा काम किया है? शहीद चंद्रशेखर आजाद के प्रपौत्र अमित आजाद अर्जुन सिंह की प्रतिमा के खिलाफ धरने पर बैठे। उनका कहना है कि शहर के विकास के लिए शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा हटाने पर हमने विरोध नहीं किया था, मगर हमारा विरोध अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाने पर है, जो हम किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांग नहीं मानी गई तो देश भर में धरना देंगे। आज हम बताएंगे शाम तक कि क्या करना है, जो सरकार की जो प्रतिक्रिया आती है, अभी तक तो नहीं आई है, हम हर पल उम्मीद बांध कर बैठे हुए हैं। यदि शाम तक भी हमारे पास कोई मैसेज आता है सरकार का, तो हम विरोध नहीं चाहते, हम नहीं चाहते देश में कोई अशांति फैले, हम तो शहीद के वंशज हैं। अनावरण देखिए होने को है, किस दिन इसका अनावरण हो जाए मुझे नहीं पता, इसलिए प्रतिमा सरकार यहाँ से हटा ले, हम बस इतना चाहते हैं। कोई राजनीतिक बात हम करना ही नहीं चाहते, हम किसी सरकार के विरोध में नहीं है, हम शहीद के परिवार के हैं, हम सबके मित्र हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जो शहीदों पर आंच आएगी तो हमारे सब विरोधी हम सबके दुश्मन हैं। गोटेगांव के परमहंसी गंगा आश्रम स्थित मणिदीप में ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने हैदराबाद में हुए दुष्कर्म की घटना पर अफसोस जाहिर किया और कहा, हमारे देश की शिक्षा में नारी का सम्मान नहीं सिखाया जा रहा है। आज स्कूल और कॉलेजों में नारी के सम्मान की बातें नहीं बताई जाती।
रामायण महाभारत की कथाएं नहीं सुनाई जाती, हम बच्ची को कन्या, महिला को दुर्गा और बुजुर्ग को माँ का दर्जा देते हैं, लेकिन अब संस्कारों में कमी आ रही है, लोगों में अपराध बोध नहीं बचा है, इसीलिए अपराध करने के बाद इसे छिपाने के लिए हत्या की जाती है। किसी की भी बेटी हो, वो कन्या है, दुर्गा का रूप है, और अगर वो सौभाग्यवती है तो वो त्रिवर सुंदरी है, माथे में जिसका सिंदूर है वो हमारी भगवती मानी जाती हैं, और जो वृद्धा है वो हमारी स्वाभाविक रूप से माता कहलाती है। हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में ये सब बातें नहीं बताई जा रही हैं, अगर रामायण महाभारत की कथा सुनाई जाती कि नारी के अपमान के कारण कौरवों का विनाश हो गया, अपराध बोध से ही दोष रुकेंगे, केवल दंड के वजह से नहीं रुकते, क्योंकि अपराध करने वाला ये सोचकर अपराध करता है कि हमको कोई देखने वाला नहीं है, वो साक्ष्य मिटाता है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दरियादिली की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। शिवराज ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक्सीडेंट में घायल हुए युवक को अस्पताल पहुंचाया। दरअसल शिवराज भोपाल के BIP रोड से जा रहे थे, तभी भोपाल के 5 नंबर स्टॉप पर रहने वाले युवक का एक्सीडेंट हो गया। एम्बुलेंस आने में देरी हो रही थी, इस वजह से शिवराज सिंह ने घायल युवक को अपने वाहन में बिठाकर हमीदिया अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टरों से बात की, जिसके बाद घायल का इलाज किया गया। शिवराज ने घायल युवक के परिजनों से भी बात की और उनको स्थिति के बारे में अवगत कराया। गौरतलब है कि पिछले दिनों भी शिवराज सिंह ने इस तरह एक युवक की रोड एक्सीडेंट में घायल होने पर खुद एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया था। परमाल की गिरफ्तारी पर 30,000 रुपये का इनाम भी था। शॉर्ट एनकाउंटर के बाद SP नवदीप भसीन ने उससे पूछताछ की। पंकज की हत्या में परमाल बोला है कि उसने मेरी सुपारी उठा दी थी, वो नहीं मरता तो मैं मारा जाता। 10 जुलाई 2019 को प्रॉपर्टी कारोबारी पंकज सिकरवार की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। तभी से हत्याकांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर परमाल सिंह तोमर की तलाश की जा रही थी। कई बार उसकी लोकेशन ग्वालियर के आसपास मिली, लेकिन वह पकड़ा नहीं जा सका। शनिवार को उसकी लोकेशन DSP क्राइम रत्नेश तोमर को मिली। पता लगा कि वह मुरैना की तरफ जा रहा है, जिस पर उसकी घेराबंदी की गई। ग्वालियर शहर में लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है, लगभग 26 आपराधिक प्रकरण उसके विरुद्ध दर्ज है। परमाल सिंह तोमर और उनके गैंग के द्वारा दिनांक 10/7/19 को ग्वालियर शहर में प्रॉपर्टी डीलर और कारोबारी मिस्टर पंकज सिकरवार की हत्या की गई थी, जिसमें परमाल सिंह तोमर एक नामजद अभियुक्त है। उस घटना के पश्चात परमाल सिंह तोमर फरार थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। गिरफ्तार ना होने पर उनके विरुद्ध 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था गिरफ्तारी के लिए। परमाल सिंह तोमर का गिरफ्तार किया जाना और उनके विरुद्ध इस तरह की प्रभावशाली कार्रवाई किया जाना किए जाने से ग्वालियर शहर के लैंड ऑर्डर में सुधार आएगा और इसमें आपराधिक गैंग की गतिविधियों में प्रभावी अंकुश लगेगा। परमाल के पास से एक 32 बोर व एक 9 mm की पिस्टल मिली है। मुठभेड़ में परमाल को पकड़ने वाली टीम को ADG राजा बाबू सिंह ने बधाई देकर पुरस्कृत करने की घोषणा की है। पंकज और परमाल गैंग के बीच करीब 3 सालों से दुश्मनी चली आ रही थी। परमाल ने 16 साल की उम्र में अपराध जगत में कदम रखा था, तब उसने पहली हत्या को अंजाम दिया था। इसके बाद वह ग्वालियर में गैंगस्टर के रूप में उभरा। उसने कम समय में अपराध की दुनिया में पहचान बनाई और शॉर्ट शूटर के नाम से पहचाना जाने लगा। अभी उस पर हत्या के 4 मामलों सहित कुल 26 लूट, हत्या, हत्या के प्रयास, फायरिंग, आर्म एक्ट के मामले दर्ज हैं। एम्बुलेंस में नकली मरीज को ऑक्सीजन मास्क लगाकर गांजे की तस्करी की जा रही थी। इस अनोखे तरीके से तस्करी करने वालों को पकड़कर कोंडागांव पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। एम्बुलेंस में गांजा तस्करी कर रहे 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कोंडागांव पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान जगदलपुर की ओर से आ रही एम्बुलेंस की तलाशी ली, जिसमें एक मरीज लेटा हुआ था जिसे ऑक्सीजन लगाकर
युवक वहां बैठे हुए थे और ड्राइवर लगातार एम्बुलेंस का सायरन बजा रहा था। तलाशी के दौरान 40 किलो गांजा बरामद हुआ है। गांजे को मरीज के बिस्तर के नीचे दबाकर तस्करी की जा रही थी। मिली जानकारी के अनुसार एम्बुलेंस व चारों आरोपी पानीपत हरियाणा के निवासी है। कोंडागांव पुलिस ने लगातार चेकिंग के माध्यम से मादक पदार्थों के परिवहन पर कार्रवाई की है। बीती रात भी एक टाटा इंडिका कार से एक आरोपी 38 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार हुआ था, जो कि रायपुर का निवासी बताया जा रहा है। कमलनाथ सरकार में पत्रकारों के साथ आए दिन दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही हैं। पत्रकारों को अब खबर लिखना और दिखाना महंगा पड़ता जा रहा है। जमीन विवाद की खबर चलाने के बाद एक पत्रकार को अगवा कर लिया गया। पत्रकार मुन्ना सरकार गुप्ता को एक खबर में लिखने पर नकाबपोश बदमाश बुलेरो गाड़ी में अगवा करने गए। नकाबपोश किडनैपरों ने पत्रकार का मोबाइल लूट कर चेहरा बांध दिया और पुरैल घर ले गए। इस दौरान अज्ञात दो नकाबपोश बदमाशों ने पत्रकार का मनचाहा वीडियो बना लिया। किडनैपरों ने पत्रकार को खबर लिखने के लिए धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही समझौता न करने पर 376 लगवाने की भी धमकी दी। बदमाशों के साथ आए एक व्यक्ति ने पूरे मामले का खुलासा किया है। शाम के 8:20 के लगभग प्राथमिक पाठशाला गन्नई के कुएं के पास चार दोस्तों के साथ बैठे थे। उन चारों दोस्तों में एक लाल बहादुर यादव, राम भवन जायसवाल, राधिका जायसवाल थे और हमको बैठे हुए उनके साथ में कुछ खबर को लेकर बातचीत चल रही थी। 10 मिनट बैठे हुआ कि एक सफ़ेद कलर की बोलेरो आई। उसी बोलेरो में 7-8 लोग आए जो पूरे चेहरे उनके बंद थे और वो जैसे ही वहाँ पे आए और मुझे उठा करके कार में अपने बोलेरो सफ़ेद कलर बोलेरो में बैठा लिए। मैं वहाँ पे किसी को पहचान नहीं पाया कि कौन है कि कौन नहीं है। इसके बाद वहीं पे उन्हीं का एक सदस्य छूट गया और मुझे वहाँ से बैठा करके लाया गया और बैठाने के बाद पुरैल कमरे में मुझे बंद किया गया। बंद जैसे उन्होंने बंद किया मेरे साथ मारपीट शुरू कर दिए। उन्होंने ये बोला कि तुम्हारी चाची मेरे खिलाफ और मेरे 5-6 भाइयों के खिलाफ जमीनी मारपीट के संदर्भ में मुकदमा कायम करवाई है, वो झूठा मुकदमा है और न्यायालय में जो याचिका दायर करवाई है उस याचिका को तुम वापस ले लो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, तुमको जान से मार देंगे। और यहाँ तक भी उन्होंने ये भी मुझे बोला कि तुम अपने चाचा के पक्ष को लेकर खबर क्यों चलाए। और उस समय मेरी गलती श्रीमान जी बस इतनी थी कि मेरे चाचा याचिका दायर किए थे दूसरे न्यायालय में और मैं उस आरोपी के खिलाफ खबर चलाई थी और उसी को लेकर उसने मारपीट मेरे साथ किया। और यहाँ तक कि बोला कि बाहर जाकर तुम पत्रकार हो, शिकायत करोगे, इसलिए वो अपनी पत्नी को बुलाया और उसका छोटा भाई बहादुर वीडियो बनाने लगा और उसकी पत्नी मेरे ऊपर लिपटने लगी और लिपट गई और उसने वीडियो बनाया। ये भी बोला कि तुम बाहर जाके कोई केस मुकदमा करवाओगे तो हम तुम्हें 376 में फंसा देंगे। चार आदमी थे, बहादुर थे, लाल बाबू और का जो बड़ा थे, क्या नाम है उनका, नाम तो नहीं मालूम उनका, मैं आन के गाँव खेत मई के। हाँ हाँ चलो आगे बताओ। तो यहाँ से वहाँ तक गए, गाड़ी खड़ी किए, मैं सोचा कि गाड़ी क्यों खड़ी किए हैं, क्या बात है, मैं कुछ नहीं बोला, मैं कुछ पूछा भी नहीं। चाकू रखे रहो? कुछ नहीं है, रख लीजिए जेब में, कुछ नहीं है। और एक जो बड़ा था, क्या नाम तो नहीं मालूम है, तो वो लोग पकड़ के गाड़ी में डाल दिए। वो जो जिसको डाले थे वो हल्ला करने लगे, बहादुर बहादुर नरिया रहे थे। इसके बाद वो मेरे को हाथ पकड़ के ताने लगे, ठीक ना, गाड़ी में ताने रहे थे बचने के लिए। मेरा हाथ छूट गया तो मैं गिर गया, तो मैं डर के मारा, मैं अगर चोर आता तो मैं रहरी भागता ना। इस पूरे मामले में सराई पुलिस द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। थाना प्रभारी इस मामले को हल्के में लेते हुए FIR तक दर्ज करना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि उल्टा पत्रकार के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। अब पत्रकार ने एडिशनल SP प्रदीप शिंदे से निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस पूरे मामले में एडिशनल SP का कहना है कि हर बिंदु पर हम जांच करेंगे, अगर पत्रकार पर हमला हुआ है तो आरोपी जो भी बख्शे नहीं जाएंगे। सरई थाने के पुरैल गांव की घटना है जिसमें एक मारपीट की रिपोर्ट आई थी, उसमें जो कंप्लेनेंट है उसकी ओर से हमने आरोपी के विरुद्ध पंजीकृत किया है अपराध, उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। दूसरा जो पक्ष है वो उसका भी आवेदन लिया गया है और वो जो बातें बता रहे हैं उनको वेरीफाई कर रहे हैं और एविडेंस जो आएगा उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। कसरवाद मार्ग पर इंद्र टेकड़ी के पास चलते टैंकर में अचानक आग लग गई। रोड पर अचानक ऐसा हादसा देखकर लोग भी सहम गए और आग बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन जैसे ही आग की लपटों ने विकराल रूप धारण किया
तो ड्राइवर व अन्य लोग टैंकर को छोड़कर भागे और तत्काल फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर करीब 1 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। आग लगने के कारणों के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। टैंकर में लगी आग पर फायर ब्रिगेड ने बड़ी मुश्किल से काबू पाया। इसी बीच आग पर काबू करने के लिए पहुंची फायर ब्रिगेड ने घटनास्थल पर पहुंचे मेन गांव TI को टक्कर मार दी, जिससे उनके पैर में चोट आ गई। इसके बाद डायल 100 से तत्काल उन्हें उपचार के लिए भेजा गया, घायल TI का। रीवा के जवा तहसील में शिक्षक एवं स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया। गुरुजी सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षक संघ के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि कमलनाथ सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हर प्रयास कर रही है। जो भी परेशानियां हैं वो सरकार तक पहुंच जाएंगी और प्रयास किया जाएगा कि हर जायज मांग पूरी हो। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के वचन पत्र में शामिल गुरुजी संवर्ग को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दिलाए जाने सहित कई स्थानीय मुद्दों को लेकर संघ के प्रांताध्यक्ष रमाशंकर पांडे ने मुख्य अतिथि को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सिद्धार्थ ने पूर्व की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षा विभाग को ट्रांसफर उद्योग बना दिया था। शिक्षा को जो मूलभूत कार्य होता है उसको छोड़कर शिवराज ने सब किया। शिक्षकों के नाम पे एक शिक्षक, शिक्षा एक ऐसा पवित्र क्षेत्र है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, जो मेरी दाल रोटी चलती, मेरा कोई उद्योग नहीं था, जो भी कुछ है सिर्फ मैं अपनी पढ़ाई के कारण रहा। मेरे पेट भी मेरी पढ़ाई के कारण चला है राजनीति में आने के पहले। तो इतना पवित्र क्षेत्र है ये, और इसको शिवराज सिंह चौहान जी ने एक ट्रांसफर उद्योग बना दिया था। बना दिया था कि नहीं बना दिया? लाख लाख डेढ़ डेढ़ लाख रुपए का रेट चल रहा था कि नहीं चल रहा था? 15 साल चला ही नहीं चला है। शिक्षकों को समाज निर्माण करने का जो कार्य उनका होता है उसको छोड़ करके सब प्रशासन की टीम ने टॉस जीता और फील्डिंग ली और पत्रकार एकादश को पहले बैटिंग का मौका दिया। पत्रकार एकादश ने निर्धारित 15 ओवर में 8 विकेट पर 94 रन बनाए। पत्रकार एकादश के कप्तान सुनील पाठक ने ओपनिंग करते हुए 30 रन का योगदान दिया। मैदान पर एक भी पत्रकार कलम की तरह बल्ला नहीं चला पाया, लेकिन प्रशासन की ओपनिंग जोड़ी किशोर कन्याल और एस कुरैशी के रूप में उतरी। उसके बाद कुरैशी और संजीव सिन्हा ने 92 रन तक साझेदारी की। उसके बाद उतरे कलेक्टर अनुराग चौधरी ने 2 रन बनाकर स्कोर बराबर किया और बाकी का 1 रन लेकर प्रशासन ने 9 विकेट से यह मैच जीत लिया। प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो मीडिया के और प्रेस के साथीगण उनके बीच में रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के इन अनौपचारिक मौक़ों से एक अपना एक अच्छा भी होता है, एक आइस ब्रेकिंग भी रहता है और आगे के लिए भी एक अच्छा संबंध बनता है। जीवन में खेलों का बहुत महत्व होता है और खेलों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो विभिन्न प्रयास होते हैं उसी के क्रम में आज प्रशासन और पत्रकारों का एक मैत्री मैच रखा गया है, जिसका पर्पस लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रखना है, खेलों को बढ़ावा देना है और पुलिस और प्रशासन और पत्रकारों के बीच में ऐसे संबंध विकसित करना है कि हम सब मिलकर सोसाइटी के लिए और पॉजिटिव काम कर पाए। इस मैत्रीपूर्ण मैच में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने इसे एक अच्छी पहल बताया और कहा मीडिया और प्रशासन के बीच तालमेल बना रहे और इसी तरह सद्भावनापूर्ण वातावरण रहे, ये उसी का एक प्रयास है। मैच में प्रशासनिक अधिकारियों के चौके छक्के और पत्रकारों के आउट होने पर आकर्षक कमेंट्री की जा रही थी। मैत्रीपूर्ण मैच का पत्रकारों और प्रशासनिक अधिकारियों ने जमकर लुत्फ उठाया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। We'll be right back.
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।